आज हम फुल लैडर को बनाने जा रहे हैं, जिसके मेरे सामने इसका सर्किट डायग्राम मौजूद है, जिसमें शोड है कि इसमें दो जो है एक्सऑर गेट, दो एंड गेट और एक और गेट इस्तेमाल किया गया है। तो मैं इसे मुकम्मल करने की तरफ बढ़ता हूँ। तो एक्सऑर गेट मेरे पास जो है इस वक्त जो नंबर इसका जो है 74LS36 जो है ना, वो मैंने यहाँ पर प्लेस है की हुई है, और 74LS08 जो है ये है, और उसके बाद जो है और गेट के लिए 74LS32 ये है। तो इस तरह से मैं 1 और 2 को जो है 1 by 1 कंप्लीट करता हूँ। 1 है ए के लिए है, तो मैं इसके एक्सऑर गेट के 1 पिन को जो है स्विच ए की जानब से एक लीड के ज़रिए से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ लाइक दिस, और इसी तरह से एक्सऑर गेट के स्विच 2 को जो है पिन 2 को स्विच 2 के साथ ज्वाइंट करता हूँ लाइक दिस। ये मैंने इसको जो है ना जोड़ दिया, ये इसकी इनपुट्स हो गई। अब जो है मैं इसको एंड गेट को, जो कि मेरे पास यहाँ पर है, तो एंड गेट के पिन 1 को पिन 1 के साथ जोड़ता हूँ। द सेम दिस इज़ द पिन 1, पिन 1 को मैं पिन 1 के साथ इस तरह से जोड़ देता हूँ। इसी तरह से पिन 2 को पिन 2 के साथ जोड़ता हूँ। एक जम्पर वायर लेकर जो है मैं पिन 2 को पिन 2 के साथ जोड़ता हूँ लाइक दिस। ये पिन 2 को पिन 2 के साथ मैंने जोड़ दिया, ये दोनों का अरेंजमेंट कर लिया। अब मैं पिन 3 को पिन 4 के साथ जोड़ता हूँ एक्सआर गेट की। पिन 3 को पिन 4 के साथ मैं इस तरह से जोड़ता हूँ लाइक दिस। ये जो चीज़ है थोड़ा सा इसको साइड पे ले जाता हूँ, ये मैंने पिन नंबर 3 को पिन नंबर 4 के साथ जो है ना जोड़ दिया। अब इसके एंड गेट की जो है पिन नंबर 3 को एक्सआर गेट और गेट की जो पिन 2 के साथ जोड़ता हूँ, यानी पिन नंबर 3 फर्स्ट वन गेट, दिस इज़ द पिन 3, और इस पिन नंबर 2 इसके साथ जोड़ता हूँ, और इसी तरह से 4 को मैं 4 के साथ जोड़ता हूँ। बिल्कुल सेम जो है 4 को इसकी पिन नंबर 4 के साथ मैं जोड़ देता हूँ, ये जोड़ दिया और ये मुकम्मल हो गया। 4 को 4 के साथ जोड़ दिया। अब 4 को और 3 को आपस में जो है ना मैं इस तरह से जोड़ता हूँ, ये 4 को 3 के साथ जो है वो जोड़ दिया, ये 3 है एक्सर गेट की, 3 को इसके 4 के साथ, एक्सर गेट की जो है ये पिन नंबर 3 इसके 4 के साथ जोड़ देता हूँ लाइक दिस। एंड गेट के, एंड गेट की 4 के साथ जोड़ दिया, ये मुकम्मल हो गया। अब जो है एक्सर गेट की पिन नंबर 4 इसकी 5 और 4 को आपस में जोड़ता हूँ। एक्सर गेट की पिन नंबर 5, दिस इज़ द 5, इसको मैं इसके 4 के साथ जोड़ देता हूँ लाइक दिस। 4 के साथ जो है ना इसको मैं जोड़ दिया, ये 4 के साथ मैंने इसे जोड़ दिया, और यहाँ से जो है 5 से जो है 5 4 के जो कम्बिनेशन है वहाँ से सी एन में कर देता हूँ लाइक दिस। इसका ये 4 5 का ये आउटपुट होगी, इसको मैं कैरी इन के साथ जोड़ देता हूँ, ये मेरे पास जो है ना इसकी स्विचिंग आ गई, ये मुकम्मल हो गया। 6 जो होगी इसकी आउटपुट होगी, ये 6 इसकी आउटपुट है। एक साइड से मैं इसको जो है जोड़ देता हूँ 6 को 6 के साथ, ये आउटपुट मैं यहाँ पर रख देता हूँ जो कि मेरे सम होगी, और इसकी पिन नंबर 3 जो है इसके साथ जो है मैं इसकी आउटपुट लेता हूँ पिन नंबर 3, ये दूसरी साइड से आउटपुट होगी, या मैं इसको अलग से भी कर सकता हूँ। अब इसके पिन नंबर 6 को इसके पिन नंबर 1 के साथ, ये पिन नंबर 6 पिन नंबर 1 के साथ मैंने इसे जोड़ दिया। इस तरह से मेरे पास इसके अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ, और मैं इसके वेरिफिकेशन के लिए इसको सप्लाई लाइन के साथ जोड़ता हूँ लाइक दिस। पॉजिटिव सप्लाई लाइन के साथ इसको जोड़ता हूँ, और बिल्कुल सेम इसी तरह से नेगेटिव सप्लाई लाइन के साथ इसको मैं जोड़ता हूँ ये चीज़। अब ये मेरा सर्किट वाले से बात करते चले, टेबल जो है ना जैसे कि मेरे सामने बना हुआ है, इसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। मैं जब इसे ऑन करता हूँ दोनों जो है इनपुट, अगर मैं इसकी दोनों फॉर्म में ए बी और सी एन को 0 0 करता हूँ, तो कैरी और सम दोनों तो मुझे 0 0 मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं इन तीनों को जो है 1 1 कर दूँ ठीक है, तो मुझे जो है इसकी आउटपुट कैरी की भी जो है वो 1 मिलेगी और सम की भी वो 1 मिलेगी। अब अगर मैं वेरिफिकेशन के लिए ए को 1 करता हूँ और बी को 1 कर देता हूँ, ये बी है 1 कर देता हूँ, सी को मैं 0 कर देता हूँ, तो सम जो होगा मुझे वो 0 मिलेगा,
और कैरी जो है वो मुझे 1 मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से किसी और वेरिफिकेशन के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। मसलन जो है मैं ए बी को 0-0 कर देता हूँ, ए बी को मैंने 0-0 किया और सी को मैं बेशक 1 कर देता हूँ, तो मुझे जो है सम जो है वो 1 मिलेगा और कैरी जो है वो मुझे 0 मिल रहा है। तो इसी तरह से वेरिफिकेशन के हवाले से मैं ए की वैल्यू को चेंज करके जो है इसको सम को जो है मैं 0 कर रहा हूँ और कैरी मुझे जो है वो 1 मिल रहा है। तो इस तरह से जो है अगर मैं इसके तीनों इनपुट जो है वो 1-1 कर देता हूँ तो आउटपुट मुझे 1 मिलती है, जो कि इसकी वेरिफिकेशन है कि उसमें सम भी 1 होगा और कैरी भी 1 होगा। ओके।